कहना चाहेंगे आज के शाम के बारे में? मुझे लगता है कि आई होप कि इस लाइफ टाइम में ऐसे टाइम आए कि हमें स्पेशली कोई वेमेंस की अवार्ड करने की ज़रूरत ही ना पड़े. वेमेन और मेन और पुरुष और महिला इक्वल हैं और ऐसे ही होना चाहिए कि वी आर कंसिडर्ड इक्वल एंड वी डोंट हैव अ स्पेशल अवार्ड सेरेमनी टू हाईलाइट कि वी आर इक्वल एंड वी आर अचीवर्स. लेकिन हाँ, साल अभी ख़त्म होने को आया है और मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस साल में और मुझे लगता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर जहाँ पे फ्यूचर बेटर हो और जहाँ पे हम आई लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर, दैट्स ऑल. हाँ, हमारे इंडियन लेडी को भी इस तरह से सुपर वुमन होने के कुछ मैसेज देंगे सोना अपनी तरफ से? वैसे मेरे ख्याल से पिछले दो दिन में बहुत एक सिग्निफिकेंट बात हुई है और बहुत चर्चा हुई है मीडिया में निर्भय केस को लेके, ज्योति के केस को लेके, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और कॉम्प्लेक्स इशू है. लेकिन जितने लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि टूटा है मन पर हिम्मत नहीं, हम तो यही बस कह लेंगे, निर्भय होके जीना है, निर्भय होके जिएंगे. सो हियर्स टू अ फियरलेस फ्यूचर, हियर्स टू अ ब्राइटर फ्यूचर एंड और क्या बोलूँ. क्रिसमस के क्या प्लान होने वाले हैं आपके, न्यू ईयर के क्या रेजोल्यूशन? कल हम लोग मेरे बैंड को लेके टूर पे निकल रहे हैं. हम लोग स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हमारे 6-7 सिटीज़ में लाइंड अप हैं. तो कल से हम दिल्ली, फिर उड़ीसा जा रहे हैं जहाँ से मैं हूँ, और फिर बाली, फिर ढाका. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फैंटास्टिक न्यू ईयर क्योंकि म्यूज़िक के साथ आई थिंक इट्स अ ड्रीम ऑफ अ लाइफ कि लाइव म्यूज़िक. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप इट्स अ ट्रूली हैप्पी न्यू ईयर वेयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इस सब को हम छोड़ के वी ट्रूली बिलीव इन एन इक्वल सोसाइटी, इन अ जेन्युइनली इक्वल सोसाइटी. क्योंकि अगर सब खुश रहेंगे तो सबका फ़ायदा ही है. मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि इट्स अ सिंपल ट्रूथ कि अगर वी आर सीकिंग हैप्पीनेस एंड वी आर सीकिंग प्रोग्रेस, वी आर सीकिंग सेलिब्रेटिंग ऑल पॉजिटिव थिंग्स, किसी को दबा के, किसी को आगे, किसी के नीचे रख के तो ये खुशियाँ मिलेंगी नहीं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फेयरर वर्ल्ड एंड अ मोर इक्वल वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. एक शॉर्ट्स ये अवार्ड के साथ.